अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब बढ़िया मुझे उम्मीद है कि आप सब खेरत से होंगे ओके वंस अगेन वेलकम टू शायद सर एजुकेशन पॉइंट बेटा दिस क्लास इज फॉर क्लास सिक्स सेमिस्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यूनिट नंबर सेकेंड अलहमदिल्ला वी हैव कम्पलीटेड यूनिट नंबर फर्स्ट बट कॉम्यूट बहुत ज्यादा काम आते हैं नो इशू एट ऑल बट हमारा जो पहला यूनिट है वो अलहमदल्ला कम्प्लीट हुआ है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट तो कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे क्योंकि एक दो कमेंट्स मुझे मिले सर हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यूसली लिया करें ओके ये बात भी सही है कंटिन्यूसली एक ट्रैक रहता है अगर मैं एक दिन में क्लास देता हूँ फिर दो दिन क्लास नहीं देता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है आई कैन अंडरस्टैंड बट रियली रियली Uh, मेरे पास उतना ज्यादा वक्त नहीं होता है लेकिन मैं फिर भी मैनेज कर लेता हूं और आपके लिए मैं क्लासेस जो है अपलोड कर लेता हूं लेकिन आप क्या कर रहे हो इंटर्न ना ही आप देखते हो और ना ही कमेंट करते हो तो जितने बच्चे देखते हैं इसे फॉर एग्जांपल ढाई सौ तीन सौ व्यवज आते हैं ढाई सौ तीन सौ व्यूज में एक या दो या चार या चार से लेकर लगभग दस कॉमेंट्स मुझे आते हैं तो इट इज इनजस्टिस ओके तो इसका मतलब यह है इसका मतलब ये भी मैं निकाल सकता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट आपको मेरा लेक्चर मुझे लगता है कि समझ में नहीं आता है या आपको वो मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में है ना तो क्या है क्या नहीं है यार एटलीस्ट वही बता दो कि मज़ा नहीं आ रहा है या टाइम खैर जो भी आपके दिमाग में आएगा वो लिखो ठीक है आपका कमेंट मैं बार बार कहता हूं कि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट लेट अस इंट्रोड्यूस यूनिट नंबर सेकंड तो यूनिट नंबर सेकंड में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है किन किन पॉइंट्स को हमें पढ़ना है किन किन पॉइंट्स को आपको फोकस करना है देखो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे जो सिक्स सेमेस्टर का पेपर आया था वो थोड़ा बहुत या आप ही का या फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर आप देखोगे थोड़ा बहुत वो यू नो अप्लाइड पार्ट आया था कि डायरेक्टली क्वेश्चन वहां पर नहीं आए थे इसलिए बड़ा ही ख्याल रखेंगे आप कि पेपर किस तरह आता है है ना तो आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हो सिक्स सेमेस्टर का या आप अपना ही पेपर फिफ्थ सेमेस्टर का ले लो वहां पे किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं तो उसी हिसाब से आपको यार पढ़ना है ठीक है इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देख लीजिएगा देख लीजिएगा स्किप ना करिए तो जितने भी पॉइंट्स में यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखे हैं उनको भी आप नोट डाउन करेंगे ठीक और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है बेटा मेरी एप्लीकेशन है शायद सिर्फ एजुकेशन पॉइंट वहाँ जाके आप नोट्स को यू नो परचेज़ कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं बार 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 आपको कहता हूँ इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक तो पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या क्या टारगेट है यूनिट नंबर सेकंड को लेकर कि हमें किन किन पॉइंट्स को यार फोकस करना है ये सबसे बड़ी बात है बेटा ठीक है तो चलिए आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि यूनिट नंबर सेकंड में हमें क्या कौन कौन से आ, दिस टॉपिक्स पढ़ने हैं दिस इज दिस इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट तो यूनिट नंबर सेकंड है, this is, this is, you know, so, है uh, का पेपर है सब्जेक्ट uh, एजुकेशन है हाँ तो यूनिट नंबर सेकंड में आप पहला पॉइंट देख लोगे बेटा आपको पढ़ना है मीनिंग नंबर नेक्स्ट आपको पढ़ना है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड ह्यूमन वैल्यूज तो इसका मतलब है हमारा जो टॉपिक आज है ना आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो खाली हम डिस्कस करेंगे कि भाई वैल्यूज़ का मतलब क्या है खाली आज का जो लेक्चर है आज का जो लेक्चर है जो फोकस रहेगा ना वो हम आपको बताएंगे कि वैल्यूज़ क्या है और बहुत सारे ऐसे फिलासफर्स रहे हैं बहुत सारे ऐसे एजुकेशनस्ट रहे हैं जिन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया है कि वैल्यूज़ का मतलब क्या है वैल्यूज़ के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि वैल्यूज़ का मतलब क्या है वैल्यूज़ की डेफिनीशन इम्पोर्टेंट डेफिनीशन क्या है और साथ में इसमें हम आप नीड एंड इम्पोर्टेंस भी पढ़ाएंगे ठीक तो पहले लेकिन समझना है पहले अगर अगर आपका चैप्टर वैल्यू एजुकेशन है तो वैल्यू एजुकेशन को स्टार्ट करने से पहले है पता है कि का मतलब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज राइट एंड नंबर नेक्स्ट टारगेट जो आपको पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्लासफिकेशन है ना तो वो आगे हम इनशाला डिस्कस करेंगे मैंने कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज़ की क्लासिफिकेशन रखी है अपने नोट्स में लेकिन उससे कहीं मतलब लेक्चर में थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आ, हो सकता है चांसेस आर दियर कि एग्जामिनेशन में वो आ सकते हैं ठीक है थीके? तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किन की ओब्वियसली ह्यूमन वैल्यूज़ की तो इन ह्यूमन वैल्यूज़ को हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे हाउ दे गेट डेवलप्ड किस तरह डेवलप होते हैं दिज ह्यूमन वैल्यूज एंड हम इनको कैसे इंकलकेट करेंगे ठीक है तो तीन चीजें याद रखना है बेटा एक तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी है किनके रिलेटेड ह्यूमन वैल्यूज के रिलेटेड नंबर नेक्स्ट इज डेवलपमेंट हाउ दे आर डेवलप्ड एंड देन हाउ वी इंकलकेट दैम अमंग चिल्ड्रन राइट तो ये तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है तो दिस इज दिस इज ऑल अबाउट वट वैल्यू एजुकेशन लेकिन 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 वैल्यू एजुकेशन में ये इट दिस यूनिट जो है ये यूनिट इट इज वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन सिनिस टाइटल में आप वैल्यू uh, एजुकेशन देखते हो जब आप सिलेबस अपना खोलोगे ना वहां पे आप टाइटल देखोगे वैल्यू एजुकेशन लेकिन यहां पे एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए बेटा याद रखेंगे मैं किन पॉइंट्स पे यहां पे फोकस करूंगा पहले मैं वैल्यूज़ को डिफाइन करूँगा ठीक है ना वैल्यूज़ का मतलब क्या है वाई वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट वट इज़ द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ क्लासिफिकेशन किस तरह के वैल्यूज़ होते हैं है ना uh, इसको हम कैसे डेवलप करेंगे इनको हम कैसे इनकलकेट करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसका होगा जो हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन वो नहीं किया है और ना ही वो आपके सिलेबस में मेंशन है लेकिन वहां पे हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल वैल्यूज इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस राइट तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चांसेस है आपके एग्जामिनेशन में वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है इसलिए ये आपको मतलब ये याद नहीं करना है कि भाई आप बोलोगे कि भाई सिलेबस में नहीं है, आप याद नहीं कर रहे लेकिन टाइटल में आप देखो सिलेबस खोलो टाइटल में लिखा है वैल्यू uh, एजुकेशन इसलिए क्वेश्चन आ सकता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन राइट ओके बेटा नंबर नेक्स्ट पे हमारा टॉपिक जो है जो यूनिट नंबर सेकंड में इंक्लूड है environmental education. Environmental education में सबसे बड़ा पॉइंट जो है आपको पढ़ना है कि भाई इसका नेचर क्या है किसका एनवायरमेंटल एजुकेशन देखो ये दो टर्म्स है वन इज एनवायरमेंट अनदर इज एजुकेशन एजुकेशन का आपको तो पता है लेकिन अब आपको समझना है कि एनवायरमेंट एनवायरमेंट का का मतलब क्या है? का क्या है 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 नेचर ना तो एनवायरमेंट का नेचर क्या है एनवायरमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको क्या लगता है कि एनवायरमेंट क्या है और एनवायरमेंट को जब हम रिलेट कर देना एजुकेशन से तो हमें ईजी होता है कि हम अपने एनवायरमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट इज हियर या आपको नेचर पढ़ना है किसका एनवायरमेंटल एजुकेशन का तो एनवायरमेंटल एजुकेशन समझने के लिए आपको पहले एनवायरमेंट पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट का मतलब क्या है यह हमारे लिए क्या करता है देर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट एंड मैन वो आगे हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ शबाश एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी वाई एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमें क्यों जरूरी है हमें क्यों एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ना है आप देखते हो कि भाई कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है आए दिन मौसम के बारे में अगर हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है हमारे सोफर एज और कश्मीर इज कंसर पोल्यूशन एक्स्ट्रा तो हमें अवेयरनेस की जरूरत है ना वो हमें कौन देगा वो हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा आगे बात करेंगे बहुत सारे ऐसे टर्म्स है बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं related to what related to the environmental education i hope it is uh, this is clear and number next my dear environmental education co यानी ज़्यादा यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं उन प्रोग्राम्स से क्या होगा हमारी जो बात है एनवामेंटल जो uh, जो एजुकेशन व्हाट टाइप ऑफ रोल एजुकेशन हैज़ टू प्ले सो दैट जो पीपल है वो अवेयर हो जाए कि हमारा एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमें किस तरह से डील करना है एनवायरमेंट से अगर एक इंसान गलत तरीके से इस इन्वायरमेंट को इस्तेमाल कर सकता है तो एनवायरमेंट उसको बैड बैड कॉन्सिक्वेंस डाल सकता है इट्स अ वाइसी वर्स सा राइट तो इंट्रैक्शन ऑफ मैन विद एनवायरमेंट एंड टुवर्ड्स द मैन अगर इंसान एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा तो एनवायरमेंट इंसान को तबाह कर सकता है तो ये आए दिन आप एग्जांपल्स देख सकते हो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो है ना तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ेंगे तो इसका मतलब है हमें प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन भी पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें वन टू थ्री फोर जस्ट फोर कॉन्सेप्ट देयर बट कॉन्सेप्ट चार ही कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ने हैं मैं एक दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा क्योंकि भरोसा नहीं है कि भाई यूनिवर्सिटी किस तरह का पेपर डालेगी है ना तो इसलिए आपको बड़ा ही ख्याल रखना है चलिए भाई हो गया इतना तो इतना हो गया आपको पूरी तरह से एनालिसिस आपने की यूनिट नंबर सेकंड की हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें ठीक तो चलिए बेटा आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या रहेगा मीनिंग ऑफ वैल्यू अब ये ह्यूमन वैल्यू है अब ये वैल्यू क्या है वट डू यू मीन बाई वैल्यू देखो वैल्यू मैंने स्लाइड बना के रखा है मैं स्लाइड उस थ्रू आपको पढ़ाऊंगा आपको बस आपको भी वही चाहिए लेकिन समझना है बाई वैल्यू का मतलब क्या है वाई 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 यू शुड नो अब द कंसेप्ट वैल्यू तो ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ठीक बात है ना तो वैल्यू का, मतलब का मतलब क्या है इसके मीनिंग है इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे इसके इटमोलॉजिकल मीनिंग देखेंगे और बहुत सारी डेफिनेशन है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू का मतलब क्या है ठीक है हम अपने तरीके से भी आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स देंगे कि जिससे आपको पता चलेगा कि भाई वैल्यू का मतलब क्या है ठीक फिर इस वैल्यू को हम रिलेट करेंगे टाई करेंगे एजुकेशन के साथ तो बन गया वो वैल्यू एजुकेशन आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा वैल्यू एजुकेशन तो कंबाइंड टर्म्स तो दैट्स वैल्यू एजुकेशन तो दैट टाइप ऑफ एजुकेशन दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वट वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू आपको वैल्यूज आपको चीजें तो पता है लेकिन आपको उनका वैल्यू पता नहीं है तो एजुकेशन से आपको उनके बारे में पता चलेगा तो यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस राइट आगे डिस्कस करेंगे बेटा ये वैल्यू एजुकेशन का मतलब कि सॉरी वैल्यू का मतलब क्या है इनके इनके हमारा टारगेट यहां पर रहेगा ह्यूमन वैल्यूज इन फैक्ट राइट चलिए भाई ओके okay, आप देखो बेटा यहां पर सेकेंड माइडियर या yeah. थोड़ा बहुत जूम इन करेंगे ओके नाउ यू कैन सी क्लियरली वेरी नाइसली एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझते हैं वैल्यू का मतलब क्या है मैं अपने तरीके से बताऊंगा वही चीजें आपको इसमें भी मिलेंगी वैल्यू का मतलब है any event any situation any person that is having a worth or that is having a strength or that is very important for you say is a pen has a value pen is important for you chodo i am wearing a coat coat has its own value this shirt has its own value so the thing that is having worth

द थिंग दैट इज हैविंग पावर दैट इज कॉल्ड वैल्यू दैट इज कॉल्ड वैल्यू नंबर नेक्स्ट अगर आप लोगों ने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी तो वहां पर फाइव नीड्स वो बता रहा है सो समथिंग दैट इज हैविंग डिजेरेबिलिटी दैट इज ऑल्सो ए वैल्यू तो मैस्लो कहता है कि द थिंग दैट सेटिस्फाई आर नीड दैट इज हैविंग ए वैल्यू देयर आर फिजोलॉजिकल वैल्यूज Physiological need is that need which fulfill our what? Biological need. Like roti kapda. Sorry, we, we take food. Food jo hai. Food has a value? Right or wrong? Food has a value, yes. It satisfies our want. It satisfies our demand. I am a hungry. I will take food. So I will reduce my hunger. Because of what? Because of food. तो फूड से मैंने अपनी हंगर को मिटाया तो मैं सेटिस्फाई हुआ किससे फूड से तो फूड हैज अ वैल्यू आर यू गेटिंग माय पॉइंट यू लिव इन अ रूम यू लिव इन अ हाउस हाउस हैज अ वैल्यू क्योंकि हाउस आपको शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड यू आर सेटिस्फाइड तो कोई भी चीज कोई भी सिचुएशन कोई भी इवेंट जो आपके डिमांड्स को सेटिस्फाई करता है जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आई हैव टू वर्क फॉर इट आर यू गेटिंग वैल्यू तो, so तो यही सारी चीजें मैं आपको स्लाइड में बता दूंगा तो अब ये क्या है अब आप देख सकते हो मीनिंग वैल्यू जो है कम्स फ्रॉम वट वर्ड यस इट्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड तो ये एक दो बार पीजी एंट्रेंस में भी आया है तो आप ये वर्ड्स नोट डाउन करेंगे जहां जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट तो लैटिन वर्ड वेले विच मीन्स टू बी ऑफ वर्थ जो अभी मैंने आपको कहा है ना एंड टू बी शबाश स्ट्रोंग टू बी स्ट्रांग सो वैल्यू लिटरली मीन्स वैल्यू लिटरली मीनस समथिंग दैट हैज प्राइस समथिंग दैट इज प्रशियस समथिंग दैट इज डियर टू यू समथिंग दैट हैज वर्थ वाइल आर यू गेटिंग माई पॉइंट है सफर एंड सेक्रीफाइस फॉर इफ नेसेसरी वन इज रेडी टू डाई फॉर इट तो ये इतना इंपॉर्टेंट है एक बंदा इसके लिए वर्क करेगा इसके लिए कुर्बानी देगा इसके लिए मर भी सकता है किसके लिए उस चीज के लिए जो उसको लगे कि ये वर्थ है ये डिजायरेबल है तो इसके लिए मुझे काम करना है तो दैट इज कॉल्ड एज अ वैल्यू राइट माय डियर नाउ नंबर नेक्स्ट वैल्यूज आर कलेक्टिव कॉन्सेप्शन ऑफ वॉट इज कंसिडर्ड गुड अभी तो हम बात कर रहे थे क्या है वैल्यूज वो कॉन्सेप्शन है जो हमें लगे कि ये गुड है या डिजरेबल है या प्रॉपर है और बैड अनडिजरेबल एंड इम्प्रॉपर इन ए कल्चर आपको पता चलता है कि आपके कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब इनको आप परसीव करते हो आपको खुद पता चलता है कि ये चीज मेरे लिए सही है कि गलत है अगर सही है तो वैल्यू है अगर सही नहीं है तो वैल्यूलेस है समझ आ गया तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वैल्यू बट आज नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट्स हैं बहुत सारे ऐसे सोशोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपने तरीके से वैल्यू को डिफाइन किया है तो मैंने यहां पे दो तीन डेफिनीशन रखे हैं आप जाके आ, मतलब आपके अगर आपके पास कोई किताब है कोई बुक है वहां जाके आप सर्च कर सकते हो बहुत सारे डिफिनीशन है लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन आ गया ना मीनिंग एंड नेचर ऑफ द यू नो ह्यूमन वैल्यूज तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो और उसमें आप डिफिनीशन इंक्लूड कर सकते हो और डेफिनेशन से भी आपका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू कंप्लीट हो सकता है ठीक है तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर वो क्या है चलिए है डेफिनी देखो सिंपली मैंने यहां पे खाली तीन डेफिनीशन रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इजी टू अंडरस्टैंड आई कैन से जो हमने डिस्कस किया वही आपको यहां पे देखने को मिलेगा तो डेफिनीशन क्या है नंबर वन आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू एम हरलॉम्बस तो हरलॉम्बस क्या कहता है वैल्यू इज अ बिलीफ दैट समथिंग इज गुड एंड डिजर्वेबल अभी आपको नोट no डाउन करना है हो सकता है एंट्रेंस में यह आ सकता है क्वेश्चन आगे अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करोगे इसके लिए मैंने बेटा बैच खोल के रखा है नया बैच अगर आप इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन माई दिस कोर्स तो आपको डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करना है फॉर योर रजिस्ट्रेशन तो मैं इनशा इन शाला फर्स्ट अगस्त से uh, नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ सो आई आई लेट मी टेल यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी इफ यू आर विलिंग इफ यू आर विलिंग दैट यू वॉन्ट टू गो फॉर एजुकेशन और यू वॉन्ट टू गो फॉर साइकोलॉजी फॉर योर फर्दरेंस ऑफ एजुकेशन यूर स्टडीज़ तो आप मेरे बैच को मतलब जॉइन मेरे बैच में जॉइन कर सकते हो तो फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी ओके okay? चलिए तो नंबर नेक्स्ट वे देखें दूसरा डिफिनेशन क्या है केन स्टेट्स क्या कहता है केन स्टेट्स कहता है वैल्यूज आर द आइडल्स बिलीफ और नॉर्मल्स विच अ सोसाइटी और द लार्ज मेजोरिटी ऑफ ए सोसाइटीज मेंबर्स होल्ड देखो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं सोसाइटी का अपना पैटर्न होता है अपना स्ट्रक्चर होता है अपने नॉर्म्स होते हैं अपने रेगुलेशंस होते हैं और वो नॉर्म्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड बहुत ज़्यादा वो डिजायरेबल होते हैं इनके बगैर सोसाइटी रन नहीं कर सकती है तो उनको हम वैल्यूज में एड कर सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू केन स्टेटस वैल्यूज और ये आइडियल्स है ये बिलीफ और नॉर्मस है विच ए सोसाइटी और लार्ज मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी मेंबर्स होल्ड ई होप बेटा दिस इज कलियर नाउ कमिंग टू द थर्ड वन आर के मुखर्जी क्या कहते हैं आर के मुखर्जी जो पाइनियर इंडियन सोशोलॉजिस्ट रहा है So, उसने इनिशिएट किया है स्टडी ऑफ सोशल वैल्यू ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एंट्रेंस में आ सकता है बेटा कि हु इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ सोशल वैल्यूज इन इंडिया तो इट वाज़ आर के मुखर्जी एंड द डेट इज नाइनटीन ये आ सकता है बेटा तो अकॉर्डिंग टू हिम वैल्यूज आर सोशली अप्रोव्ड डिजायर्स And goals that are internalized through the process of conditioning, learning, or socialization, and that become subjective preferences, subjective preferences, standards, and aspirations. राइट right? देखो बेटा जब इंसान किसी भी सोसाइटी में जन्म लेता है तो इसके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनको इमिटेट करता है ऐसे लर्न करता है उसकी कंडीशनिंग हो जाती है जिस घर में वो जन्म लेता है अगर वो घर उस घर में वो मतलब अच्छा एनवायरनमेंट हो तो ऑटोमेटिकली ये अच्छा जो संस्कार है वो ऑटोमेटिकली इनकलकेट इस बच्चे में होंगे तो उसमें भी ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे है ना अगर कोई ब्रोकन फैमिली है जहाँ पे आ, मतलब वैल्यूज़ की कदर नहीं है नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो वो बच्चा भी उसी लाइन से गुजरेगा ना तो ये क्या कहता है कि ये इंटर ये सोशलाइजेशन प्रोसेस है ये लर्निंग से वैल्यूज इनकलकेट किया जाता है कंडीशनिंग हो जाती है बच्चे में और ये आहिस्ता आहिस्ता अपने इन वैल्यूज़ को इंटरनालाइज करता है ये उनके सब्जेक्टिव बन जाती है समझ आ गए बेटा तो वैल्यूज जो है ये खुद फिर से पढ़ेंगे वैल्यूज आर सोशली अप्रूव्ड है ये सोशली अप्रूव्ड होती है डिजर्स एंड गोल्स दैट आर इंटरनालाइज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग से होता है लर्निंग और सोशलाइजेशन एंड दैट बिकम्स सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेज एंड स्टैंडर्ड एंड एस्परेशन ये टॉपिक हमें फिर भी वैसे भी पढ़ना है कि हाउ यू आर गोइंग टू इनकलकेट वैल्यूज अमंग यर चिल्ड्रन वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि बेटा यहां तक आप लोगों ने अच्छे से समझा इफ़ रियली रियली लाइक माई वीडियो शेयर माई वीडियो और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो ओके तो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन वैल्यू का मतलब क्या इसका मीनिंग तो इनशाला कल हम नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ भी पढ़ेंगे काफ़ी ज़्यादा मजा आपको आएगा इन शाह ये उतना ज़्यादा मसला नहीं है जस्ट यू हैव टू फॉलो माई लेक्चर्स एंड प्रिपेयर यूर नोट्स अगर आपको नोट्स रेडीमेड चाहिए तो आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जहां पे आप मेरे नोट्स परचेज कर सकते हो आई वंस अगेन थैंक यू मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग